बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि किस तरह अक्टूबर 2021 में मैं पहले बता चुका हूँ कि 10 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब का झगड़ा चल रहा था। और पहले बताने की वजह भी ये थी ताकि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए तो फिर ये सनद रह जाए। मैंने उस वीलॉग को भुगता भी था और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाला गया था कि इस वीलॉग को डिलीट कर दिया जाए, लेकिन वो मौजूद था, मौजूद है और आप उसको आज भी सुन सकते हैं। मैंने आपको वो डाटा निकाल कर उसका सुनाया भी है। यानी उस्मान बुज़दार के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब में एक टसल थी। नवाज शरीफ साहब के साथ जो डील हुई, वो पाकिस्तान से बाहर गए, ये मामला था। मरियम नवाज़ को इमरान खान ने नहीं जाने दिया। और इसराइल के मामले के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के अंदर दूरियाँ थी। कश्मीर और भारत के साथ जो मामला, एस्टेब्लिशमेंट कुछ और चाह रही थी, इमरान खान साहब वो नहीं चाह रहे थे। सऊदी अरब के हवाले से जो खारजा पॉलिसी है, इसमें कुछ मामला थे। शहबाज शरीफ को बाहर भिगवाने की कोशिश की गई लेकिन इमरान खान साहब ने रास्ता रोका। फिर एब्सोल्युटली नॉट जो इमरान खान साहब ने कहा, इकोनॉमी का मामला हो या एनआरओ का मामला हो, इन तमाम चीज़ों पे एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के शदीद तरीन तहफ़ुज़ात थे। इमरान खान साहब अगर ये बातें मान लेते एस्टेब्लिशमेंट की तो शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहते, लेकिन इमरान खान साहब ने कश्मीर का सौदा करने से इनकार कर दिया था। वो लोग जो कल तक इमरान खान साहब को कहते थे कि उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया, या वो सहाफ़ी जो इन बातों को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते थे, आज वो अपने मुंह से खुद बता रहे हैं कि सौदा एक्चुअली जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने किया था। और उनका ये मानना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो हमारे सामने बातें की थी, उनका एक हिस्सा मैंने आपके सामने रखा है। कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। एक सवाल मैंने बाजवा साहब से पूछा था और मैंने उनसे ये पूछा था कि पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे नहीं देगा, तो अड्डे ना देने का मतलब यह है कि आप ज़मीन के ऊपर अमेरिका को एक्सेस नहीं देंगे, लेकिन वो आपका फिजाई रास्ता इख्तियार करता है, इस्तेमाल करता है, यानी आपकी जो एयर स्पेस है उसको अमेरिका इस्तेमाल करता है। क्या पाकिस्तान उसके लिए इजाज़त देता है, या अमेरिका अगर इसको इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा? ये बड़ा सादा सा सवाल था मेरा, बतौर सहाफ़ी मैं जानना चाहता था कि क्योंकि उन दिनों खबरें आ रही थी कि अमेरिका पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान उसमें कुछ नहीं कहेगा, और इस किस्म की मुख्तलिफ लोग खबरें दे रहे थे, अमेरिका से कुछ सोर्सेज इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट कर रहे थे। तो मैंने चाहा कि मैं जनरल रिटायर बाजवा साहब से पूछूं कि वो क्या कहते हैं। उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, तो जनरल बाजवा इसके ऊपर लड़ पड़े और बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि अमेरिकन तैयारे कितनी बुलंदी पर उड़ते हैं। उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि अमेरिकन ड्रोन जो हैं वो नाकाबले तस्खीर है, और उन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को बताया कि जैसे पाकिस्तान की हैसियत ही कोई नहीं है, यानी पाकिस्तान किसी चीज़ के अंदर कन्फ्रंटेशन में जा ही नहीं सकता। हमें ऐसा लगा, यानी मुझे बहुत अजीब लगा और बहुत बुरा लगा कि हमारे जर्नैल ने हमें डरी हुई बात बताई, कोई उम्मीद नहीं दिलाई कि अगर अमेरिका हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल करता है और हमारे ऊपर से गुजर जाता है या ज़बरदस्ती हमारी जगह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो हम बतौर कौम या बतौर फौज उसको कैसे रोक सकते हैं, या हमारे पास क्या फार्मूला है, या हमारे पास क्या प्लानिंग है। तो एक बेचारगी का एहसास हुआ। जनरल बाजवा को गुस्सा जो अमेरिका पे चढ़ना चाहिए था वो मेरे पे चढ़ गया, और उन्होंने उसके अंदर एक रद्देमल बहुत अजीब किस्म का दिया। वो उस वक्त वहाँ पे जनरल फैज़ ने एक लुकमा दिया था, मुझे याद है, और उन्होंने उनके एक लुकमे के अंदर मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आ गई थी। उन्होंने कहा था कि मामला ये है कि रोकने के लिए सिर्फ मारना ज़रूरी नहीं है, जब रोकना हो तो बहुत तरीके होते हैं। तो ये तो चले बात भी समझ आती है, लेकिन जनरल बाजवा ने बिल्कुल हारा हुआ स्टेटमेंट दिया था और खौफजदा स्टेटमेंट दिया था। मैं हैरान था कि जो मुल्क तालिबान से मार खा रहा है वो पशौरी चप्पल के अंदर मार रहे हैं उनको, और पुराने दूसरी जंग अजीम के हथियारों के साथ अमेरिका को शिकस्त दे रहे हैं। एक तरफ वो मुल्क वहाँ पर मार खा रहा है और एक तरफ एक दुनिया की बड़ी फौजों में से एक फौज का मालिक आर्मी चीफ और एक एटॉमिक पावर मुल्क का मालिक आर्मी चीफ जो है वो इतनी डरी हुई और इतनी खौफजदा बात कर रहा है अमेरिका को लेकर। तो मुझे खासी जो है वो तशवीश भी थी, बहुत बेचैनी भी थी, और बाकी सहाफ़ियों का भी मिला जुला रद्द अमल था। इसमें जनरल बाजवा का इसराइल के बारे में क्या मौकफ था उस तरफ भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मुझे ये बात कैसे पता चली, मुझे ये बात पता चली 2020 में, और 2020 में एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और मेरे दोस्त हैं, वो गए और जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात करके आए अकेले। उन्होंने बाजवा साहब से अकेले मुलाकात की और वापस आकर वो परेशान हो गए और उन्होंने मुझे रात गए फ़ोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि
हुआ यह है कि मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है और वो इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, ये बाजवा साहब की सोच है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इस बात का थोड़ा बहुत आइडिया है। उन्होंने कहा आपको कैसे आइडिया है? तो मैंने उन्हें कहा कि इससे पहले 3 सहाफ़ी ऐसे हैं जो जनरल बाजवा से मिलकर आए, और जब भी वो जनरल बाजवा से जो सहाफ़ी मिलकर आया उसने आने के बाद अगले एक हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके बाद पता चलता है कि वो इसराइल की तरफ उसका टिल्ट बढ़ा है, या उसको ये कहा गया है या वो ये खुद से कह रहा है, लेकिन वो कन्विंस है इस बात के ऊपर कि इसराइल के साथ जो है वो ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर होने चाहिए। इनमें मैं सहाफियों के नाम भी ले सकता हूं लेकिन सबके लिए मुश्किल हो जाएगी, पाकिस्तान में एक बड़ा हसास टॉपिक है। हमारे एक दोस्त ने इसराइली टीवी को इंटरव्यू भी दे दिया इसी जोश और जज्बे के साथ जब मुलाकात हुई मुबैना तौर पर। तो उसके बाद अच्छा इसमें कुछ और जो चीज़ें हुई वो ये हुई कि एक सहाफ़ी ने ट्वीट कर दिया, एक ने टीवी चैनल पर कह दिया, एक और दोस्त हैं उन्होंने इसके ऊपर वीलॉग में बात कर दी। तो ये मुख्तलिफ सहाफ़ी जो जनरल बाजवा से मिलकर आ रहे थे वो इसराइल के बारे में एक नरम गोशा अपने दिल के अंदर रख रहे थे। तो मुझे शक तो था इस बात के ऊपर, लेकिन जब वो सहाफ़ी मिलकर आए और उन्होंने मुझे कहा कि जनरल बाजवा इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं या उनको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो मुझे ज़्यादा हैरत नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा, तो फिर उन्होंने कहा जी अब वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कन्विंस किया है बड़ी लंबी मुलाकात के बाद, वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ये बात अपने टॉक शो के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर कहूँ और ये बात पाकिस्तान के लोगों के बीच में डिबेट को हम शुरू करें। बाजवा साहब का तरीकाकार भी यही था, वो जब हमें ये कह रहे थे कि कश्मीर के मामले को छोड़ दें और भारत के साथ तजारत करें, मामलात को आगे बढ़ाएं, तो वो ये नहीं कह रहे थे कि ये फौरी तौर पर नाफजुल अमल है। हालांकि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 70 साल को हमको ये चूरन बेचा है कि जनाब हम कश्मीर को आज़ाद करवा के देंगे, ये फौज इसलिए है, हम फतह कर लेंगे, और अब आप कह रहे हैं कि जी लड़ना ही नहीं है और कश्मीर को छोड़ने और बाकी चीज़ों पे बात करने हैं, कश्मीर बाद में देखेंगे। तो मैंने कहा लोग ये बात नहीं मानेंगे, लोगों को ये बात हजम नहीं होगी। हमने सवाल हमने पूछा और भी लोगों ने पूछा ये सवाल, और ये बाजवा साहब के सामने एक दफ़ा नहीं आया, कई दफ़ा ये सवाल आया। अब इसी तरह जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि इसराइल के मामले पर बाजवा साहब ये सोचते हैं, और मुझे इस पे हैरत इसलिए नहीं हुई कि मैं बाकी जर्नलिस्ट जो मिलकर आए थे उन्होंने आकर जो कुछ किया था मुझे आइडिया था। तो उन्होंने कहा कि बाजवा साहब मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अब इसके लिए राय आमा को हमवार करूं और इसके ऊपर डिबेट करूं। तो कश्मीर के मामले में भी बाजवा साहब यही कहते थे कि डिबेट तो आप करवाएं ना, शुरू तो आप करें ना, इसको आप लेकर तो आए ना मार्केट के अंदर, लोग इसके ऊपर प्लस या नेगेटिव अपने रिमार्क्स तो देना, जरा थोड़ा सा खोलें तो सही डिबेट को आप। तो इसी तरह इसराइल के बारे में भी वो यही चाह रहे थे कि ये मामला खुले और लोग इसके ऊपर बहस करना शुरू करें, दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो मैंने अपने उस सहाफी दोस्त को बड़ी सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि मेरे से उसने मशवरा मांगा था। तो मैंने कहा बिल्कुल आप ये मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, इसका आपको नुकसान हो जाएगा। नुकसान आपका ये हो जाएगा कि पाकिस्तान की अवाम के इसराइल को और फलस्तीन को लेकर मखसूस किस्म के जज्बात हैं, और मेरे अपने भी मैंने कहा यही जज्बात हैं। आप जब कुछ ऐसा करेंगे तो मुझे भी दुख होगा, लोगों को भी दुख होगा, तो आप ऐसा ना करें। जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होता, उनको इंसाफ नहीं मिलता, तब तक इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की हिमायत कोई बेवकूफी होगा जो करेगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही मौकिफ था। तो इस तरीके से मैंने उनको मना किया। तो उन्होंने कहा जी मैं तो फंस गया हूं फिर इसके अंदर, मैं तो वहां पे, मैंने कहा आप कमिटमेंट देके आ गए होंगे वहां पे बाजवा साहब के सामने बैठ के, आपको लगा होगा सामने आर्मी चीफ बैठा हुआ है तो बंदा उसके जोम में आके या इस चक्कर में आके कि प्रेशर में आके बंदा मान लेता है बात। तो गालिबन ऐसे ही कुछ था। तो उस पर मैंने उनको फिर यह मशवरा दिया कि आपका कोई बड़ा इंटरव्यू आ रहा है, तो उन्होंने कहा जी मेरा एक इंटरव्यू आ रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप वहां पर यह सवाल पूछ लें इसराइल से लेकर कि इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने पे आपकी राय क्या है, तो आपकी जान भी छूट जाएगी। बहरहाल वो मामला जो है वो इसी तरह हुआ। इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया, मैंने भी उनसे ये सवाल किया और कामरान खान साहब ने भी उनसे ये सवाल किया। तो इमरान खान साहब ने कहा मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैं ये करूँगा, तो फलस्तीन के अंदर जो मुसलमान हैं उनको तो उनका हक नहीं मिला, तो मैं फिर क्या अपने अल्लाह को जवाब दूंगा। तो उन्होंने ऐसे करके कहा। तो ये एक और बड़ी वजह थी इख्तलाफात की कि जनरल बाजवा कुछ और सोचते थे इसराइल को लेकर और इमरान खान साहब कुछ और सोचते थे इसराइल को लेकर, कश्मीर को लेकर भी। तहरीके लबैक के खिलाफ जनरल बाजवा ने हमें बहुत उकसाया, हमें बहुत कहा, और ये सारे सहाफी गवाही देंगे। तहरीके लबैक जिसको इस्तेमाल किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और बार बार इस्तेमाल किया जाता है, तहरीके लबैक वाले जरा कान खोल के सुन लें कि जब जनरल बाजवा से, और पूछ लें उन दो दर्जन सहाफियों से, सारे इसकी गवाही देंगे।
जनरल बाजवा उकसा रहे थे सहाफियों को कि आप तहरीके लबैक के खिलाफ रिपोर्टिंग करें, जितना ज्यादा होता है उनको एक्सपोज करें, उनके खिलाफ बात करें। उस वक्त तहरीके लबैक जो है इन्होंने डंडा सोटा पकड़ा हुआ था, ये लोगों को फेंटे लगाते थे हर जगह के ऊपर, इन्होंने जो है वो एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ की हुई थी। तो ये बात भी मैंने भी जनरल बाजवा साहब से कहा कि ये एक ऐसी चीज है, बाजवा साहब आप तो इसको झेल लेंगे लेकिन जो आम लोग हैं पाकिस्तानी उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मजहबी जुनूनियत मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए और इसका नुकसान ये है कि शहरों को एकदम आग लग जाएगी और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ तहरीके लबैक के बारे में नहीं कह रहे थे, हम ओवरऑल बात कर रहे थे, लेकिन जनरल बाजवा स्पेसिफिकली तहरीके लबैक के बारे में बात कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि सहाफी तहरीके लबैक के खिलाफ रिपोर्टिंग करें, वो उसको डिस्कस करवाना चाह रहे थे ताकि ये जो हवा है ये और ज्यादा बड़ा हो जाए और इसका इस्तेमाल जो है ऐसा लगता है कि शायद वो चाह रहे हो कि ज्यादा करामद इस्तेमाल हो जाए। तो ये चीज़ें इसराइल के बारे में और तहरीके लबैक के बारे में और कश्मीर के बारे में, ये चीज़ें और एयर स्पेस के बारे में जो अमेरिका की थी, जो मैंने सवाल किया था, ये चीज़ें मैंने आपको रिपोर्ट की हैं। इसके ऊपर तो 10 वीलॉग किए जा सकते हैं, वो इतनी लंबी मीटिंग थी, लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ों को यहीं रोक लेते हैं। कोई चीज़ आएगी तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या हुआ था। आज हमने कुछ चीज़ें याद की हैं, यानी जनरल बाजवा ने एक ये भी बात की थी कि मैं अमेरिकन्स को और यूरोपियंस को ये कहता हूँ कि हम आप जैसे कपड़े पहनते हैं, आपकी तरह की जबान बोलते हैं, तो आप हमें उन मुल्कों की तरफ क्यों जाने देते हैं जिनका कल्चर हमसे नहीं मिलता और जिनकी जबान हम जानते ही नहीं हैं। यानी ये अमेरिका और मगरबी ममालिक को जनरल बाजवा ये समझाते थे कि चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, यहाँ पे आप हमें ना जाने दें, आप हमें अपने साथ जोड़कर रखें, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं। जब आप हमें सर्द मोहरी से देखते हैं या हमारी बात नहीं मानते या हमें दूर करते हैं तो फिर हमें उस तरफ जाना पड़ता है। तो ये सबको गोलियां फिट करते थे जनरल बाजवा, वो अपने मुंह से खुद कह चुके हैं कि मैं सारों को गोलियां फिट करता था, सबको कोई ना कोई मैं आसरा देकर रखता था। लेकिन आप एक चीज पर गौर कीजिए, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की भारत के साथ पींगे चढ़ा रही थी और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के ऊपर अपने मीडिया और अपोजिशन के जरिए से ये इल्जाम लगवाए जा रहे थे कि इसने कश्मीर का सौदा कर दिया। एक तरफ इसराइल पर बातचीत की जा रही थी, सहाफियों को कन्विंस किया जा रहा था और एक राय दी जा रही थी। अरब ममालिक के बारे में भी जनरल बाजवा साहब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये जो अरब हैं ये अब इस्लामी भाईचारे की बात नहीं करते और ना इनके नजदीक इस्लामी भाईचारा, इनकी नई नस्लों के नजदीक इस्लामी भाईचारा नामी कोई चीज है, ये अब कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ये देखे बगैर कि आपका ताल्लुक किस मजहब से है, आप बरादर इस्लामी मुल्क हैं या नहीं है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहते हैं कि आपके पास प्रपोजल क्या है और मिलकर करना क्या है। लेकिन ये बड़ी हकीकत पसंदाना बात थी जो जनरल बाजवा ने की थी और इस्लामी ममालिक को लेकर पाकिस्तान को भी अब अपना मफाद देखना चाहिए, अपना फायदा देखना चाहिए। इमरान खान साहब अगर इन बातों पर सरेंडर कर देते तो रिजीम चेंज ऑपरेशन ना होता, ये इस बात की गवाही है कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया और इसकी वजह से रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। अब आ जाए ईद के बाद मुजाकरात वाली खबरों के ऊपर। तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि मुजाकरात पर पीपल्स पार्टी तो यकीन रखती है लेकिन इत्तेहादी जमातों की राय मुख्तलिफ है, वो मुजाकरात नहीं करना चाह रहे। हालांकि 26 अप्रैल को तय किया गया था कि मुजाकरात किए जाएंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ, लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। उसकी एक वजह है क्योंकि 26 अप्रैल का पहले तो तय किया गया था कि मुजाकरात होंगे हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद के, लेकिन अब 26 अप्रैल को हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया और उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, जबकि फजलुर्रहमान साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पार्टी ने भी मुशावरत शुरू कर दी है और 26 तारीख को ही उन्होंने अपना इजलास बुला लिया है जो आगे चंद दिन तक जारी रहेगा। तो इस तरह जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में एंगेजमेंट कर रही हैं और चीज़ों को तातुल का शिकार करना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुझे लगता है 27 तारीख को ये बताया जाएगा कि हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है, हम इसकी डेडलाइन नहीं दे सकते कि कब तक हमारे मुजाकरात मुकम्मल होते हैं। अब इसके जवाब में जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा सियासी जमातों में गुफ्तगू आगे ना बढ़ी तो 14 मई को इलेक्शन का फैसला बरकरार रहेगा और 14 मई को पाकिस्तान में फिर इलेक्शन होंगे, खासतौर पे पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं। राणा सनाउल्ला साहब का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के चंद घंटों में मुजाकरात और नतीजे के फैसले से कशीदगी बढ़ गई है। अब चंद घंटे तो नहीं है, अब आप देख लें कि 6 या 7 दिन का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जितनी छुट्टियां उनके अंदर आप मुजाकरात कर सकते हैं, रोजाना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं तो पॉलिटिकल मुजाकरात भी आप कर सकते हैं। पाकिस्तान की खातिर अगर आप 2 छुट्टियां अपनी कम भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता और मुजाकरात के जरिए चंद दिनों में आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आप नतीजे पर ना पहुंचना चाहें तो फिर आप 1 महीने तक नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, 1 साल तक नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। अब इसमें राणा सनाउल्ला साहब कह रहे हैं कि अगर 14 मई को इलेक्शन हुए भी तो कोई तस्लीम नहीं करेगा, तो राणा साहब इलेक्शन तो पाकिस्तान में आज तक जो भी हारा है उसने तस्लीम नहीं किए,
जब जब आप इलेक्शन हारे आपने तस्लीम नहीं किए, जब जब कोई और जमात इलेक्शन हारी उसने भी तस्लीम नहीं किए, तो ये कोई नई बात नहीं होगी पाकिस्तान में कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन तस्लीम नहीं कर रही। 2018 में भी नहीं किए गए, 2013 में भी नहीं किए गए, 2008 में भी नहीं किए गए, 2002 में भी नहीं किए गए, 1997 में भी नहीं किए गए, उससे पहले जो इलेक्शन हुए वो भी तस्लीम नहीं किए गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे इमरान खान साहब ने एक बात कर दी है कि अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, यानी इमरान खान साहब इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही जाएगा, उन्हें इस बात का यकीन है कि मुज़ाकरात की कामयाबी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मुज़ाकरात इसलिए भी कामयाब नहीं हो सकते कि हुकूमती जमातें संजीदा नहीं हैं, वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते और मुज़ाकरात इलेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि कम से कम अक्टूबर तक का उनको टाइम मिल जाए, लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि मई जून इसके अंदर इलेक्शन हो जाए। और जो बीच का रास्ता निकालने वाले लोग हैं या जो लोग ये चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले पाकिस्तान आगे बढ़े, उन सबका ये सोचना है कि जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान में इंतखाबात करवा दिए जाएं और सारे के सारे इंतखाबात इकट्ठे करवा दिए जाएं। इमरान खान साहब को ये पता है कि हुकूमत बात नहीं मानेगी और उनको ये भी पता है कि उसके बाद इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक होना चाहिए और होगा। तो उन्होंने अब एक ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना तो मैं कौम को सड़कों पर निकालूंगा। यानी इमरान खान साहब ने एक और तहरीक का इंडिया दे दिया है, और ये जो तहरीक है ये वुकला की तहरीक भी होगी, याद रखिएगा, वुकला की, सिविल सोसाइटी की, इनकी तहरीक भी होगी, और ये एक तरह की अदलिया बहाली की तहरीक की तरह की तहरीक होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना करके ना सिर्फ तौहीन अदालत की जाएगी बल्कि पाकिस्तान के पूरे निज़ाम इंसाफ को चैलेंज कर दिया जाएगा सियासी माफियाज की जानिब से, सिर्फ अपनी सियासी शिकस्त से बचने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में एक तहरीक चलाना लाजिम हो जाएगी पाकिस्तान के वुकला पे और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। तो एक तहरीक आप चलती हुई देखेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया और सियासी जमातें किसी नतीजे पर ना पहुंची तो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह।